जन सामान्य के लिए सरकार अपनी योजनाओं को ठोस आकार दे पाई है, उसे जमीन पर लागू करने में सफल रही है, तो यह आप जैसे लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत ही संभव हो सका है। आप लोग जमीन पर कार्यकर्ता हैं, जनता के सुख दुख में भागीदार होते हैं और इसलिए सरकार को पता चलता है कि लोगों की आशाएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, हमारी दिशा उसके अनुरूप है या नहीं है। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है। सरकार और पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं का फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि हम समाज के गरीब, शोषित और वंचित तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने में, कुछ विशेष स्थितियों में उन्हें अलर्ट करने तक में कार्यकर्ता की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। उदाहरण के लिए बताऊं तो जब हम जीएसटी लेकर आए तो उसमें समय समय पर सुधार करते रहे। इसमें आप कार्यकर्ताओं की ओर से भी जो सुझाव आए उसी के कारण ही संभव हुआ। जीएसटी को लेकर अलग अलग वर्गों से मुलाकातें हुई और आवश्यकता के अनुरूप बदलाव किए गए। यही कारण है कि आज जीएसटी देश में आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। कार्यकर्ताओं के आपसी कम्युनिकेशन और पार्टी की लीडरशिप के साथ कम्युनिकेशन को नमो ऐप, नरेंद्र मोदी ऐप ने बहुत इजी और इफेक्टिव बना दिया है। आवश्यकता है इसका रोजाना यूज हमारी आदत में होना चाहिए। चलिए आज हम मैं आपको एक काम देता हूं, करेंगे आप लोग? मैं सभी जिन राज्यों से मेरी बात हो रही है सबको कह रहा हूं, करेंगे? अच्छा देखिए, आज इस वीडियो कॉल से जितने कार्यकर्ता जुड़े हैं वो सब कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अपना डिटेल फीडबैक मुझे अगले 24 घंटे में भेजिए। और यदि कर सकते हैं तो 5 और लोगों से भी उनके मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड करवाकर उनका भी फीडबैक मुझे भेजें। आपको सिर्फ इतना ही करना है, नमो ऐप के होम फीड, उस पर आपको एक पीपल्स पल्स बैनर दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो अलग अलग प्रश्न और ऑप्शंस आएंगे। कुछ सरकार की योजनाओं के बारे में होंगे, कुछ आपके राज्य के बारे में होंगे, कुछ आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में होंगे, कुछ आपके एमपी, एमएलए और भाजपा के अन्य लीडर्स के बारे में। इन सब को भर करके उसके अंदर आप भर सकते हैं, आसानी से आप उसको सबमिट कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस काम को करेंगे।